नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि आज पूरे विश्व में तथा भारतवर्ष में कोरोना बीमारी के संक्रमण के चलते विपदा की स्थिति बनी हुई है और हमारा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। मैं अलकनंदा हांडा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता होने के नाते प्रदेश सरकार से चंद प्रश्न पूछना चाहती हूं। प्रश्न नंबर एक, हिमाचल सरकार से ये पूछना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश में कितने दिहाड़ीदार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने बेघर हैं, श्रमिक हैं जो रोज कमाकर रोज खाते हैं और सरकार ने उनके लिए क्या किया। प्रश्न नंबर दो, आज काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों में घरेलू हिंसा के चलते प्रताड़ित हो रही हैं, परंतु अपनी समस्या के समाधान के लिए वो महिलाएं जाएं तो कहां जाएं। हिमाचल प्रदेश में काफी सारे ऐसे लोग हैं, मरीज हैं जो क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, दिल की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, किडनी की बीमारी से, परंतु उनके लिए हॉस्पिटल्स के दरवाजे बंद हैं, वो लोग कहां जाएं। आज इसके अलावा कोरोना बीमारी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाए हैं, कितने अस्पतालों की व्यवस्था की है और कितने आईसीयूज आपने इमरजेंसी एहतियात के तौर पर रखे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें हिमाचल प्रदेश सरकार से चाहिए। आज कितने लोगों के लिए आपने ये जो कोविड 19 की परीक्षण की सुविधा है वो सस्ती और सुलभ करवाई है और शंका के चलते कितने लोगों का आपने परीक्षण किया है। परंतु ये जितने भी प्रश्न हैं ये अनुत्तरित प्रश्न है सरकार के द्वारा। आज हमें खुशी होती है कि आज फ्रंट लाइन पर हमारे काफी सारे योद्धा पुलिस के रूप में, स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेस के रूप में, आशा वर्कर्स के रूप में, सफाई कर्मचारियों के रूप में जगह जगह अपनी कर्तव्य प्रायणता से अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, परंतु सरकार उनको मास्क और सैनिटाइजर्स, छोटी छोटी सुविधाएं देने में भी असफल रही है। आज हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं इस विपदा की घड़ी में आपके साथ हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही आहट हुई, इस बीमारी का आगाज हुआ, तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कुलदीप सिंह राठौर जी बिना वक्त गवाए पब्लिक प्लेसेस में गए, आईएसबीटी शिमला में गए, रिज में गए, हॉस्पिटल्स में गए, जितना भी उनसे बन पड़ा उन्होंने सैनिटाइजर्स बांटे, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपनी पूरी टीम के साथ मास्क उनको बांटे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जितनी भी आर्थिक मदद भी कांग्रेस पार्टी कर सकेगी वो उनकी करेंगे। परंतु दुख होता है कि आज हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी वेंटिलेटर्स की कोई सुविधा जो है वो पर्याप्त सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है और हिमाचल प्रदेश में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। आज हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि फ्रंट फुट पर जितने भी जवान जुटे हुए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, उनको उचित सुविधा मुहैया करवाए, उनको मास्क दें, उनको सैनिटाइजर्स दें, पर्सनल जो प्रोटेक्शन किट हैं वो भी मुहैया करवाए। आपने देखा है कि इन्हीं किटों के अभाव के चलते भारतवर्ष में कई डॉक्टर्स जो थे वो इस बीमारी की चपेट में आए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज
आप सत्ता सुख तो भोग रहे हैं, सत्ता सुख भोगने के अलावा आप लोगों के दुख सुख में भी शरीक होए, क्योंकि आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, वो लोगों के दुखों को सुनने के बजाय केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उनको झूठी सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। आप घर से निकलिए और लोगों को जो है वो सुविधाएं बांटिए। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि आज आप इस विपदा की घड़ी में भी, इस विपदा का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, लोगों को टोने टोटके बता रहे हैं, थाली बजाओ घंटी बजाओ, उससे इस बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है, अपितु उससे ये जो बीमारी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, और अगर बढ़ी तो प्रदेश की जनता जो है वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो मेरा यही संदेश आपको रहेगा कि रुक गई आरती, रुक गई आजान, अगर कोई नहीं रुका तो वो है डॉक्टर और जवान, और हमारे लिए वही है भगवान। जय हिंद, जय हिमाचल।